सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज हम चलते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 17 को। तो चलिए 17 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 17 का, वाई इक्वल टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 और फिर क्या दिया हुआ है, 10x, और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना है और फिर क्या लिखना है, डी वाई बटे में डी एक्स और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर 10 और फिर क्या है, इसके फंक्शन में थीटा की जगह पे 10x लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला, डी और टोटल 10 और फिर क्या हो जाएगा, 10x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 10 और फिर क्या हो जाएगा, 10x और यहाँ पे बट्टे में क्या होने वाला है, 10x और इंटू में क्या होने वाला है, डी 10x बट्टे में dx। तो इतना तक तो फील आ गया होगा और इस तरीके से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू रूट अंडर 10 और यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 10x। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, तो ये समझिए कि रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन किया है हमने इंटू में, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो सेक स्क्वायर और उसके थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा होता, हमने एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10x का डिफरेंशिएशन मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स, इसको सबको एक जगह पे करके लिख दीजिए, यानी क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर 10x और बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट यानी टू रूट अंडर 10 और फिर क्या हो जाएगा, 10x और इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल है। 18 क्या कहता है, तो देखिए 18 यानी y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, वन प्लस साइन एक्स और सॉरी रूट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, रूट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स और बट्टे में क्या लिखेंगे हम, तो डी वन प्लस साइन एक्स। आपको थोड़ा सा तो फील आया होगा कि चेन रूल किस तरीके से काम करता है और फिर यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स और यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स। अब देखिए यहां तक तो हम लोग चल रहे हैं, तो ये कैसा काम करेगा, रूट अंडर एक्स के जैसा, तो क्या हो जाएगा, वन टू और रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इसका अगर इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये अंदर जाएगा, तो डी वन बट्टे में डी एक्स और फिर प्लस में डी साइन एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आएगा, यहां से इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स, यानी कोस एक्स बाहर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, कोस एक्स बटे में टू रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लिया। तो आपको दिख रहा होगा 18 का। अब चलते हैं 19 की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, y इक्वल टू रूट अंडर, y इक्वल टू रूट अंडर 10 और फिर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके का। तो देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर 10 और फिर क्या हो जाएगा, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर बटे में क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, डी 10 और वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 10 और वन प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, डी वन प्लस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, सिंपल। और इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये कैसा काम करेगा, रूट अंडर एक्स के जैसा, इसका मतलब क्या, वन अपॉन में टू और रूट अंडर क्या हो जाएगा, फंक्शन यानी क्या, 10 वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर होता है और वन प्लस में एक्स स्क्वायर और फिर इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर मैं बना के दिखाऊं तो डी वन बट्टे में क्या हो जाएगा, डी एक्स और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बट्टे में डी एक्स, इस तरीके से कुछ हो दिखेगा।
ये आ जाएगा सेक इसके ऊपर, यानी सेक स्क्वायर वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा टू रूट अंडर उस टेन और वन प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, ये हुआ कि नहीं जीरो। अब जीरो जैसे हमारा ये जीरो नहीं होने वाला, ये क्या हो जाएगा टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टू एक्स। अब टू एक्स डिफरेंस तो टू से टू कट गया। अब कटने के बाद जो फाइनली आंसर आता है हमारे पास वो देखिए क्या आता है, फाइनली आंसर आता है एक्स इंटू में सेक स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टेन और वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फाइनली आंसर आता है हमारे पास। और इस तरीके से हमने 19 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, ठीक है। तो 20 को सॉल्व करने से पहले क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉट, आई होप आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू कॉट, और फिर क्या देता है कॉट रूट अंडर रूट वाई इक्वल टू कॉट रूट अंडर कोस, और फिर इसके अंदर रूट अंडर क्या है एक्स। तो सबसे पहले हम लोग के लिख लेना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट्टे में क्या हो जाएगा डीएक्स बट्टा डीवाई बट्टे में डीएक्स, और डी क्या हो जाएगा कोट, और रूट अंडर क्या हो जाएगा थोड़ा बताइए कोस और रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डी, और ये इसके फंक्शन में कौन है रूट वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा कोस रूट अंडर एक्स। इस तरीके से यहाँ फिर से जाएगा कौन जाएगा कोस, और उसके बाद में रूट अंडर एक्स, और बटे में क्या होने वाला है तो डी, और ये देखिए रूट के अंदर ना एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी कोस रूट अंडर एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा डी और रूट अंडर एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी रूट अंडर एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चैन रूल कार्य करता है, मतलब चैन रूल का मतलब ही क्या है चैन टाइप का। देखिए जब तक उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब तक बट्टे में हमारे पास डिनोमिनेटर में डी एक्स ना बच जाए, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर और रूट अंडर कोस रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है टू रूट अंडर कोस और रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में साइन रूट अंडर एक्स, और एक बार यहाँ पे फिर से आता है तो इसका भी होता है टू रूट अंडर एक्स। तो देखिए नीचे नीचे कितना दो है दो है, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस, यानी फाइनली अगर मैं आंसर लिखूँ तो कुछ इस तरीके का लगेगा क्या साइन रूट अंडर एक्स फिर इंटू में कोसेक स्क्वायर रूट अंडर कोस रूट अंडर एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा टू और टू फोर और रूट अंडर एक्स, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कोस रूट अंडर एक्स, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो 21 को सॉल्व करते हैं। 21 कहाँ गया, हाँ तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन, y इक्वल टू साइन, और फिर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है साइन, और फिर इसके अंदर रूट दिया हुआ है x। तो इस तरीके से तो सबसे पहले क्या लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बटे में क्या हो जाएगा डीएक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो जरूर दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन और रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स, बटे में क्या हो जाएगा डी रूट अंडर, यहाँ पे गौर से देखिए क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी रूट अंडर साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से क्या हो जाएगा डी रूट अंडर, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में क्या है साइन रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पे क्या होने वाला है साइन रूट अंडर एक्स, समझ में आ रहा है आपको। ठीक इसी तरीके से साइन और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स, बट्टे में क्या होगा यहाँ पे जो थीटा के जगह पे है, यानी थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से डिफरेंशिएशन में चैन रूल काम करता है। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस, अभी कोस साइन का कोस होता है, अब इस तरीके से साइन और बट्टे में सॉरी इंटू में क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स और रूट अंडर एक्स, यहाँ पे ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा तो वन अपॉन में
टू रूट अंडर साइन, और क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स, तो फिर एक का हो गया, फिर इसमें इस क्या हो जाएगा कोस रूट अंडर एक्स, और फिर ये हो जाएगा 1 बाई में 2 रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से सबको एक जगह पे करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का, कोस रूट अंडर एक्स और फिर कोस रूट अंडर टोटल का क्या साइन और रूट अंडर एक्स, ये ऊपर वाला टर्म है, नीचे बच्चे वाला दो अलग एक जगह पे, तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन और रूट अंडर क्या है एक्स, और ये हमारा फाइनली बिकम आंसर, वी फाउंड इट। इस तरीके से आपको हमने 21 को भी सॉल्व कर लिया। अब 22 को देखते हैं, 22 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखिए उसको गौर से किस तरीके से बनाना है। 22 का वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 22 में वाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन रूट अंडर कोस, रूट अंडर कोस और कोस का रूट अंडर ए एक्स दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से क्या लिखने के लिए बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखने के बाद में आपको क्या करना है डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा डी साइन रूट अंडर कोस, और फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स, और उसके बट्टे में क्या हो जाएगा थोड़ा सा सोचिए, तो हाँ साइन का जो थीटा वाला जो वैल्यू है यानी रूट अंडर कोस रूट अंडर ए एक्स ये पूरा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर कोस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स, और बट्टे में क्या होने वाला है तो जो उसके है फंक्शन वही यानी कोस रूट अंडर ए एक्स, और ठीक इसी तरीके से डी कोस रूट अंडर ए एक्स, और बट्टे में क्या यहाँ पे होने वाला है तो रूट अंडर ए एक्स, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा डी डी रूट अंडर ए एक्स, और बट्टे में क्या है ना यहाँ पे होने वाला है तो देखिए गौर से यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। अब आप बोलिएगा हमसे ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे दो फंक्शन होता तब मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है और एक एक्स है, तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का होता है कोस, और कोस के बाहर में रूट अंडर यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर कोस और रूट अंडर ए एक्स, एक का हो गया। दूसरा क्या है तो दूसरा 1 रूट अंडर एक्स के जैसा काम करेगा यानी 2, और रूट अंडर क्या हो जाएगा कोस और रूट अंडर ए एक्स, ये हो गया सेकेंड का। इसका क्या हो जाएगा माइनस में साइन और रूट अंडर ए एक्स, और इसका क्या हो जाएगा तो रूट ए तो बाहर आ गया मगर 1 बाई रूट अंडर एक्स बच गया, तो रूट अंडर एक्स बचने का मतलब क्या 1 2 रूट अंडर एक्स, और ये दो गुना हो जाएगा इस तरीके से, इसको सबको एक जगह पे करके माइनस रूट अंडर ए, और क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर ए एक्स, और इंटू में फिर क्या हो जाएगा कोस और रूट अंडर कोस रूट अंडर ए एक्स, और इस तरीके से बटे में क्या हो जाएगा 2 और 2 4, मतलब कि यहाँ पे 4 बना, और ये क्या हो जाएगा कोस कोस ए सॉरी कोस रूट अंडर ए एक्स, मगर गौर से देखिए ये वाला ए छूट रहा है हमारे पास तो रूट अंडर एक्स, अगर चाहे तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कुछ इस तरीके का बने दिखेगा, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसका आंसर सॉल्व होता है। अब देखिए आप जब बुक से आंसर मैच कीजिएगा तो बुक में कुछ इस टाइप का आंसर देता है माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूट अंडर ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, तो दोनों के ऊपर ए पहले तो लिखता है 1/4, और फिर दोनों के ऊपर ए की जगह पर 1/x यानी एक जगह पे दे दिया, फिर इसको देखता है किसको देखता है इसको, इन सबको अलग अलग लिख देता है यानी साइन और रूट अंडर ए एक्स एक जगह पे लिखा, फिर क्या लिखा कोस रूट अंडर कोस ए एक्स एक जगह पे लिखा, और बट्टे में क्या है इसके तो इन सब के बट्टा में क्या चल रहा है इंटू में 1/4 में क्या हो जाएगा कोस सॉरी रूट में रूट के अंदर कोस रूट अंडर ए एक्स, तो इस तरीके का कुछ आंसर देता है। और आज के लिए यहीं तक रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से सॉरी 23 से लेकर के 31 तक, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
सॉरी 23 क्वेश्चन क्या कहता है, तो y इक्वल टू रूट अंडर साइन, और फिर इसके फंक्शन में दे रखा है साइन और रूट अंडर एक्स। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख रहे हैं डी वाई बटे में डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी और रूट अंडर, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स, और ये रूट के अंदर है। इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, तो ये देखिए तो रूट के अंदर एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, बाहर कौन आएगा साइन, और फिर क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर एक्स। यहाँ पे ऊपर कौन जाने वाला है, तो ऊपर जाने वाला है यही वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है साइन, और क्या लिखा हुआ है साइन और रूट अंडर एक्स। इस तरीके से इसके फंक्शन में क्या आने वाला है, तो साइन रूट अंडर एक्स, यानी ये वाला जो टर्म्स है ये विद रिस्पेक्ट टू साइन रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और इस तरीके से साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे ये जो रूट अंडर एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक एक टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये वाला टर्म जो है इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा वन बाई टू और रूट अंडर साइन, और फिर क्या आएगा साइन रूट अंडर एक्स। ये हो गया हमारा एक, और फिर इसके बगल में क्या है, तो बगल वाला को हम करेंगे कोस, और फिर क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, चूंकि साइन विद रिस्पेक्ट टू साइन रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी इस टर्म के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसी तरीके से फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वो भी हो जाएगा कोस और रूट अंडर और एक्स, और वो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। इस तरीके से सबको गुना करके एक जगह पे लिख देते हैं, तो एक जगह पे लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए, कोस रूट अंडर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कोस साइन और रूट अंडर एक्स। अब बट्टे में क्या है, तो यहाँ पे 2 है और ये एक्स है, तो 2 4 और इंटू में रूट अंडर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन, और फिर क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से ये हमारा फाइनली आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 की तरफ। तो सबसे पहले 24 क्वेश्चन को देखते हैं, तो 24 क्या कहता है, y इक्वल टू कोस, और फिर क्या देता है टेन रूट अंडर एक्स प्लस वन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा डी कोस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स प्लस वन, और बटे में क्या होने वाला है डी टेन रूट अंडर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टेन रूट अंडर एक्स प्लस वन, और बट्टे में क्या होने वाला है डी रूट अंडर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या होने वाला है डी रूट अंडर एक्स प्लस वन, बट्टे में क्या डी एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस वन, बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स। और इस तरीके से ये हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं, अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, और साइन के किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, तो टेन एक्स और रूट अंडर एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में। फिर इसका टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस वन, और फिर उसका क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू रूट अंडर एक्स प्लस वन, मगर इसका क्या हो जाएगा केवल वन इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से सबको सजा करके लिख देते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस वन, और एक हो जाएगा साइन और इंटू में सॉरी साइन टेन रूट अंडर एक्स प्लस वन, और बट्टे में क्या है इसके टू रूट अंडर एक्स प्लस
वन, और इस तरीके से ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 24 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 का तो हमने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25। 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और बार बार, मतलब कि एक तरीके से समझिए कि आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में कीजिए, जिससे के वजह से आपको चैन रूल हमेशा याद रहेगा। तो क्या है 25, y इक्वल टू साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा कोस, और फिर उसके अंदर क्या है टेन, और उसके अंदर क्या है एम एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है डी वाई बटे में डी एक्स इतना लिखना है, उसके बाद में डी, फिर क्या लिखेंगे साइन, और रूट के अंदर कौन कौन है तो सबको लिख देना है कोस, और फिर उसके अंदर क्या है रूट अंडर टेन और एम एक्स, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, और रूट अंडर क्या हो जाएगा कोस, और फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर टेन और एम और एक्स, ठीक है। और फिर यही वाला आदमी, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला आदमी नोमिनेटर में जाएगा और क्या हो जाएगा कोस, रूट अंडर कोस, रूट अंडर टेन एम और एक्स, और इस तरीके से हम लोग बट्टे में क्या लिखने वाले हैं, तो जो इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है कोस रूट अंडर टेन, और इसके बाद में क्या है एम एक्स, फिर यहाँ पे लिखा है कोस रूट अंडर टेन और एम एक्स, बट्टे में क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोस के बाद क्या लिखा हुआ फंक्शन, तो रूट अंडर टेन और एम एक्स। तो इस तरीके से अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये भी जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा डी टेन एम एक्स, और बट्टे में क्या हो जाएगा डी टेन एम एक्स, मतलब सॉरी यहाँ पे गलत लिखा टेन, और इस तरीके से क्या हो जाएगा डी टेन और एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एम एक्स, और ये अब जाएगा डी एम एक्स बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि चैन रूल इसमें कितनी बार लगा है, 1 2 3 4, यानी 4-5 बार इसमें चैन रूल अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम एक ले में चैन रूल को यूज करते हैं। अब फाइनली हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अब तक मैं इसमें चैन रूल को अप्लाई कर रहा था, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कोस, अब रूट अंदर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कोस, और इसके अंदर क्या हो जाएगा टेन और एम एक्स, पहला का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप जो ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है इसका क्या हो जाएगा, तो वन बाई में टू और रूट अंडर हूबहू, जैसे क्या लिखा हुआ है कोस रूट अंडर क्या लिखा हुआ है टेन, और फिर क्या हो जाएगा एम एक्स, इस तरीके से हम लोग देख लिए। फिर इसका देखिए ये हो जाएगा माइनस में साइन, यानी चूंकि कोस का क्या था माइनस साइन, और रूट अंडर क्या हो जाएगा टेन और m और x, और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर टेन एक्स है, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर टेन और m और x, इस तरीके से आप लोग इसका इस स्टेप का हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप यानी टेन एम एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एम एक्स, और फिर इसके बाद में m कॉन्स्टेंट पर टर्म है तो आगे आ जाएगा, और dx एक्स बट्टा में डी एक्स का, यानी मतलब केवल m, यानी इसका मतलब तो 1 हो गया ना, dx का मतलब 1। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली लिख देंगे आंसर सबको एक जगह पे करके, क्या आंसर लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऊपर ऊपर में क्या है m, देखिए ऊपर में m है, फिर क्या है sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर एम एक्स है, और फिर इंटू में क्या है साइन, और फिर क्या है रूट अंडर टेन और एम एक्स ये है, उसके बाद में फिर क्या है कोस, और रूट अंडर में क्या है कोस, फिर इसके अंदर रूट क्या है टेन, और उसके अंदर क्या है एम एक्स, इस तरीके से हम हमारा नोमिनेटर हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर देखिए इसमें थोड़ा सा माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक माइनस, अब डिनोमिनेटर हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, अब क्या हो जाएगा कोस, और यहाँ पे क्या है तो लिख देते हैं कोस, और रूट अंडर क्या हो जाएगा टेन और एम और एक्स, इस तरीके से एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन और m और x, इस तरीके से फाइनली आंसर हमने पा लिया। तो इसको अगर अलग वे से लिख सकता है, मैं आंसर जब मैच कीजिएगा तो आपको अलग वे से लिखा हुआ मिले तो घबराइएगा नहीं, ये सेम है आंसर, दोनों सेम है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन 25, और 25 जो है इस पे बहुत ज़्यादा चेन रूल यूज हुआ है। इस तरीके से अब आगे हम डिफरेंशिएशन के आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑफ, बाय बाय।